कि भाई यहाँ असल जो विवाद शुरू हुआ है, जो मस्जिद और मदरसे का डिमोलिशन हुआ है, हमने पूछा क्या इसका कोई कोर्ट का ऑर्डर था, तो बताया गया हमें कि कोर्ट का ऑर्डर डिमोलिशन का नहीं था। कोर्ट में 14 तारीख दी गई थी, 14 तारीख में सुनवाई होती, उसके बाद क्या डिसीजन आता नहीं, आप लोग मदद नहीं हम करेंगे। क्या मदद करेंगे ये बताइए। हम तो ये कहते हैं कि हम आपके अमन अमान में मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन आइडेंटिफाई करना तो प्रशासन का काम है, कानून के ऊपर पालन कराना ये प्रशासन का काम है। एक मिनट, हाँ, हम बताएंगे, हम खुद ही बता रहे हैं। एक मिनट बात दे दीजिए। हाँ, ऐसे तो सब लोगों के लिए, देखिए हम लोग आए थे दिल्ली से जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, और हमारे सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने हमें भेजा था। कल ही हम लोग आने वाले थे, लेकिन कल परमिशन नहीं मिली, बोला कि आज यहाँ कोई एंट्री नहीं हो सकती है, कर्फ्यू में ढील नहीं थी। आज हम लोग आए थे हालात को जानने के लिए, हालांकि वहाँ भी पता लगा था कि असल सिचुएशन क्या है। हमने जाना, इलाके के लोगों से भी पूछा, जो जिम्मेदार हैं उनसे भी रब्ता किया, हमें बताया गया कि भाई यहाँ असल जो विवाद शुरू हुआ है, जो मस्जिद और मदरसे का डिमोलिशन हुआ है। हमने पूछा क्या इसका कोई कोर्ट का ऑर्डर था, तो बताया गया हमें कि कोर्ट का ऑर्डर डिमोलिशन का नहीं था। कोर्ट में 14 तारीख दी गई थी, 14 तारीख में सुनवाई होती, उसके बाद क्या डिसीजन आता। उसके बाद हमें ये नहीं था कि अगर वो गैर कानूनी है कोई चीज़, ज़बरदस्ती हमारी कोई मस्जिद मदरसा सरकारी या प्राइवेट ज़मीन पर नहीं बनाया जा सकता, लेकिन डेमोलेशन का ऑर्डर होता। यहाँ नुजूल की ज़्यादातर ज़मीनें हैं, कुछ लोगों ने फ्री होल्ड करा रखा है, कुछ की एप्लीकेशनें लगी हुई हैं, तो जो भी होता वो ऑर्डर अगर कोर्ट का आ जाता, डेमोलेशन का कोई मसला नहीं था। हम लोग आए थे अमन अमान की अपील करने के लिए कि यहाँ हमें रहना है, चाहे प्रशासन हो या हमारे दूसरी कम्युनिटी के लोगों, हमें मिलजुल के रहना है। मुल्क में जब हालात ख़राब होते हैं तो सबका नुकसान होता है, मुल्क भी पीछे जाता है। इसके साथ साथ हमने प्रशासन से अपील की है कि जो लोगों में एक खौफ का माहौल पैदा हो गया है, लोग पलायन कर रहे हैं, कई हज़ार लोग जा चुके हैं, तो किसी ऐसे आदमी पर जो किसी तरह के इसमें मुलव्वस ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई न की जाए। कोई जो लोग इसमें है, ऐसा भी होता है कि मरतबा भीड़ इकट्ठा होती है, उस भीड़ में ऐसे असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं कि जो उस भीड़ का हिस्सा नहीं होते, लेकिन आकर के माहौल को ख़राब कर जाते हैं। तो हमने ये अपील की कि ऐसे लोगों की आप निशानदेही करें कि कौन लोग ऐसे थे कि जिन्होंने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। जो लोग भी समाज को और माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन निर्दोष के खिलाफ किसी के कोई कार्रवाई ना हो। ऐसे हालात में होता कि बहुत सारे निर्दोष फंस जाते हैं। हमने ये भी अपील की है कि कर्फ्यू में ढील दी जाए, ऐसे भी लोग जो बीमार है, परेशान है, उनके दिलों के अंदर खौफ है। हमने वहाँ जाने की भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन हमें कहा गया कि आज तो नहीं, दो चार दिन के अंदर हम आपको लेकर के जाएंगे। तो ये अपील करने हम आए थे, अमन की अपील लेकर के यहाँ पर आए थे। प्रशासन ने क्या कुछ अभी जवाब दिया? प्रशासन ने हमने यकीन दहानी कराई कि हम आपकी बात, चूँकि अभी यहाँ कोई एक बड़ा इवेंट है कोई चीफ जस्टिस के लिए, वहाँ पर बड़े अधिकारी गए हुए हैं, कि हम आपकी बात उन तक पहुँचाएंगे, और हम किसी भी ऐसे आदमी को जो बेकसूर होगा उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो अमन अमान की अपील में हमें आपकी ज़रूरत है और आपको हमारी ज़रूरत है, एक दूसरे को ज़रूरत है, जब ज़रूरत होगी हम आपको बुलाएंगे। अभी हम रिलीफ का काम कर रहे हैं, हम रिलीफ पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जो हज़ारों लोग पलायन कर रहे हैं, इस खौफ के माहौल को ख़त्म किया जाए। दंगाइयों को पकड़ने के लिए क्या आप लोग भी आगे आएंगे, आप लोग मदद करेंगे? ये काम तो प्रशासन का होता है, चूँकि आवाम का नहीं होता। ये काम आइडेंटिफाई करना, ये पुलिस प्रशासन का काम होता है, आवाम का काम नहीं होता। इस काम के लिए हुकूमत ने सारे महकमे और डिपार्टमेंट बना रखे हैं कि कौन दंगाइयों के साथ क्या सलूक करेगा, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन में दंगाई पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन करेगा। नहीं, हम क्या मदद करेंगे ये बताइए। हम तो ये कहते हैं कि हम आपके अमन अमान में मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन आइडेंटिफाई करना तो प्रशासन का काम है, कानून के ऊपर पालन कराना ये प्रशासन का काम है, कानून को हाथ में लेना ये पब्लिक का काम नहीं है। इस काम के लिए गवर्नमेंट ने बनाए हुए डिपार्टमेंट्स हैं जो इस काम को देख रहे हैं। आपने कहा कि डिमोलिशन का कोई ऑर्डर नहीं था? नहीं, निगम की कार्रवाई, अगर कोई कोर्ट का ऑर्डर है आप हमें दिखाएं कि कोर्ट का डिमोलिशन का ऑर्डर है, ये ऑर्डर दिया गया था। अगर ऑर्डर था तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है।